इमोशनल ड्रामा है, फैमिली फिल्म है, जो एक्शन भी है वो बैकड्रॉप है, बेसिकली एक इमोशनल कहानी है। कैरेक्टर का नाम शिवाय है। ओके। और शिवाय एक ऐसे भगवान है जिनमें वो सब चीजें हैं जो कि एक आम इंसान में होती है जी। बाकी जितने भी भगवान हैं सब के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो सब एकदम परफेक्ट है। शिवाय है जो भोले भी हैं, जो भांग भी पीते हैं, जो हर इंसान जो करता है वो करते हैं, गलतियां भी करते हैं, बेवकूफ भी बन जाते हैं, गुस्सा आता है तो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो ये सब अगर आज के इंसान में हो और सही चीज सही तरह से इस्तेमाल करे तो वो कैसा होगा। क्या बात है। शिवाय जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक इमोशनल ड्रामा है, इसकी कल्पना इनफैक्ट एक आर्टिकल हमने पढ़ा था जो कि रियल जिंदगी में हुआ था, तो उससे हम लोग बहुत मूव हो गए थे। ये पिक्चर उसके थॉट प्रोसेस पे बनी गई है, उसको फॉलो नहीं किया गया, बट वो हमारा इंस्पिरेशन था। फिल्म का मैं जिस स्केल की फिल्म है और जिस हिसाब की फिल्म है उसके बारे में और जो इमोशन है वो अंडर करंट बताना चाह रहा था, और जो फिलॉसफी है फिल्म की वो जो मेरी वॉइस ओवर है उसमें है। बिना ज्यादा कहानी के बारे में रिवील किए आई थिंक मुझे ये सबसे अच्छा रास्ता लगा ट्रेलर बनाने का। बहुत ज्यादा मेहनत किरदार पे नहीं करनी पड़ी क्योंकि किरदार भी लिखा मैंने खुद है, तो मुझे किरदार की समझ काफी थी और मैं क्या अपने आप से चाहता था ये मुझे पता था। बट फिल्म बनाते वक्त क्योंकि जो हालात थे, जिस हालात में और जिस टेम्परेचर में ये फिल्म बनी है, और जिस आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे शॉट हैं जो कि लेना बहुत मुश्किल है, वो सब करने में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी।